अल्लाह वेलकम बैक अगेन टू अनदर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम अगेन टू माई चैनल एज वेल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ इन शाला आप सब लोग ठीक होंगे अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआएँ हैं और अल्लाह का एहसान है जो दिन भी वो दे देता है बहुत ही उसका करम है शुक्र है अलहमद लाला यहाँ मैंने डिनर की तैयारी की क्योंकि डिनर हो या लंच हो कुछ भी हो ये सारा प्लान मैन्यू मैंने खुद ही करना होता है क्योंकि मेरे साथ कोई और होता नहीं है तो ऑल अलोन मुझे ये सारे जितने भी डिसीजन लेने होते हैं खुद ही लेने होते हैं मैं क्योंकि आपके साथ अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ दूसरे वीडियोस भी शेयर करती हूँ तो मेरी एक बड़ी प्यारी सी फैमिली बन गई हुई है जो मेरी सिस्टर्स हैं ना वो इस तरह की मेरी वीडियोस पसंद करती हैं तो आज मैं कड़ी पकौड़ा बना रही थी मैंने सोचा थोड़ी सी अपनी सिंपल सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी भी शेयर हो जाएगी आपको अच्छा कड़ी पकौड़ा मैं बड़े सिंपली स्टाइल में बनाती हूँ वैसे तो आप सबको भी पता होगा कड़ी पकौड़ा जो है बेसिकली समर्स की डिश है इसकी तासीर ठंडी होती है क्योंकि ये दही और बेसन से बनती है बेसन क्योंकि इसमें डलता है तो दही की वजह से ना उसकी जो गर्म तासीर है वो ख़त्म हो जाती है लेकिन दिल का क्या है किसी भी टाइम कुछ भी मांगता है सो मैंने इसे बनाया क्योंकि मुझे पसंद है काफ़ी सारे लोग जो हैं कड़ी चावल भी पसंद करते हैं मगर मुझे इसका ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन पसंद नहीं सिर्फ कड़ी पकौड़ा ही पसंद है घर के अपने जो मसाले होते हैं मेरे स्पाइसेस होते हैं लाल मिर्च नमक दादर मिर्चें लहसुन अदरक पाउडर थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर नहीं तो साबुत ज़ीरा साबुत गरम मसाला नहीं तो थोड़ा सा अगर सूखा धनिया है तो ये सारी चीज़ें ही डलती हैं कड़ी पकौड़ा में और जो कड़ी के पकौड़े होते हैं वो तो मैं इसी तरह बनाती हूँ अफतारीयों के लिए रमज़ान का जो मेरा पकौड़ा मिक्स होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है और मैंने उसका शॉट भी आपके साथ आई थिंक थ्री फोर टाइम्स शेयर किया है रमज़ानों में आप लोग मेरे शॉर्ट भी ज़रा देखा करें फीडबैक दिया करें थोड़ी सी इंसान में ना एनर्जी आती है थोड़ा सा इंसान का जो एनर्जी लेवल है ना वो बूस्टअप हो जाता है तो so खैर बस यहाँ पर मैंने इनको मिक्स किया और ये जो आप छोटा सा पाउल प्याली जो भी कह लेंगे कप देख रहे हैं ना आप ये ही मैंने दो कप दही लिया था और उसमें ये हाफ़ कप या थोड़ा सा आप समझ लें फ़ोर टेबल स्पून या फ़ाइव टेबल स्पून बेसन उससे मैंने कड़ी को मिक्स कर लिया था और तीन चार बॉयल आने तक मैंने उसे थोड़ा सा दम पे रख लिया था और जब मेरे पकोड़े फ्राई हो गए थे तो फिर मैंने इन्हें डिप कर दिया था कड़ी में कुछ लोग जो हैं कड़ी का भगार स्पेशल लगाते हैं दूसरे तरीके से कुछ ज़ीरे का प्याज का टमाटर का लगाते हैं कुछ लोग जो हैं सिर्फ नॉर्मल जो गोल मिर्च होती है कश्मीरी मिर्च देगी मिर्च भी जिसे कहते हैं उसका लगाते हैं अच्छा मेरा डिफरेंट होता है जैसा मेरा मूड हो मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ ना जब तो अब जैसे ये पकौड़ों का ऑइल है इसी से ही मैं तड़का बना लेती हूँ ज़ीरे वाला बना लेती हूँ समाइम्स सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल थोड़ा सा इसको बॉयल करके इसी का तड़का लगा लेती हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी जो पकौड़े हैं वो मज़ेदार से होते हैं स्पाइसिस वाले होते हैं तो कड़ी में डिप होने के बाद तड़के के साथ इनका जो कॉम्बिनेशन है ना बिल्कुल सेट रहता है क्योंकि वैसे भी आ, मेरे घर में इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाए जाते हम बहुत लाइट स्पाइसेस पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं तो मैं भी यूज़ टू हूँ लाइट से स्पाइसिस के साथ बस जो अपना ज़ायक़ा होता है बस ठीक रहता है अलहमद तो ये मैंने यहाँ अपना मेन्यू डन कर लिया था घर के सारी छोटे मोटे काम काज सबके साथ चलते रहते हैं काफ़ी दफ़ा आपके साथ मैं शेयर भी करती हूँ क्योंकि हमें एक फैमिली बन चुके हैं मेरी एक ऑडियंस है मेरा एक व्यूअरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनें पसंद करती हैं मेरी वीडियोस को बस ये है कि कभी कभी ना कभी कभी नहीं बल्कि अक्सर वीडियोस तो देख लेती हैं लेकिन कंजूसी से काम लेती हैं लाइक करना भूल जाती हैं और कमेंट करना भूल जाती हैं और कुछ मेरी ऐसी रेगुलर व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं जो रेगुलर मुझे डी करती हैं कमेंट्स करती हैं तो उन लोगों का तो बहुत बहुत शुक्रिया और जो नहीं भी करते उनका भी शुक्रिया चलें कोई बात नहीं कभी तो आप कर ही देंगे अच्छा जी अपने पिछले व्लॉग्स में मैंने आपको शेयर किया था कि इन मैं आपको मज़ीद भी अपनी वीडियोस में शेयर करती रहूँगी कुछ दुआएँ कुछ फ़ायफ़ तो आज के वीडियो में बहुत ही आसान दुआ और एक वजीफ़ा कह लें शेयर करने लगी हूँ बस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा देखिए हम जब कभी भी घर से बाहर जाते हैं घर में दाखिल होते हैं तो वैसे तो कदम कदम पर बहुत सारी दुआएं हैं बहुत सारे वजायफ़ हैं लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं मुकम्मल ज़ात से अल्लाह पाक की है और हम कुछ नहीं कर सकते इन में से कोई काम हम मुकम्मल कम्प्लीटली नहीं कर सकते हम पांच वक्त की नमाज़ भी अदा कर लेना उसका भी अपने आप को पाबंद कर ले तो ये भी बहुत है तो दुआएँ तो बहुत सारी हैं जिसमें से कुछ बेसिक्स दुआएं होती हैं लाइक जैसे किचन में जाने की दुआ वाशरूम जाने की दुआ बाज़ार जाने की दुआ दिस दिस एंड दैट मतलब डिफरेंट दुआएं हैं लेकिन अब बहुत जो आसान दुआएं हैं उनको मैं अपनी डेली रूटीन में ज़रूर पढ़ती रहती हूँ क्योंकि आदत बन चुकी है यूज़ टू हूँ तो वो चलते फिरते माइंड में रहती हैं ज़बान पर रहती हैं तो एक तो सिक्योरिटी पर्पस से भी और दूसरा घर में बरकत की पर्पस से भी मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी जब भी आप कभी बाहर जाएँ घर को लॉक करें तो घर से निकलते हुए दायां पाँव पहले बाहर निकालें और घर में दाखिल होते हुए भी सीधा पाँव यानी कि दायां पाँव पहले दाखिल करें घर से निकलते हुए आप घर के पीछे की तरफ मुँह करके आप मुखातब होकर बोलें कि या अल्लाह तेरे सुपुर्द करके घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ और तेरे हवाले और फिर आपकुम वहमत ला वरक़ पूरा तीन बार पढ़कर घर से बाहर निकलें एक तो ये फिर जब आप वापस आते हैं जब कभी भी चाहे आप थोड़ी सी देर के लिए गए हों चाहे आप शॉपिंग के लिए गए हों किसी ट्रिप के लिए गए हों बहुत कुछ कुछ भी हो सकता है तो जब आप घर में एंट्री करते हैं तब भी आपने दायां जो सीधा पाँव है वो दाखिल करना है अंदर रखना है और साथ ही आपने अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोल कर पूरा सलाम करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये दोनों आयतें आपने पढ़नी हैं आपके घर में फ़रिश्ते मौजूद होते हैं अच्छी बुरी अरवाह भी मौजूद होती हैं तो जब आप ये कलाम पढ़ते हैं ना तो जो आपके घर के फरिश्ते होते हैं वो आपके घर की हिफाजत करते हैं आपकी ग़ैर मौजूदगी में वैसे भी तो वो मौजूद ही होते हैं ट्वेंटी फ़ोर आवर्स लेकिन स्पेशल जब आप उनको मुखातिब होकर बोलते हैं तो अल्लाह पाक के जो फरिश्ते हैं ना जो हर वक्त हमारे साथ आए बाएँ शाएँ रहते हैं तो वो हमारी हिफाज़त फरमाते हैं और आपकी एबसेंट में हिफाजत फरमाते हैं आपके घर की तो और दूसरा ये चीज़ भी है कि हम बड़ों से भी सुनते आए हैं कि जो दूसरी अरवा होती हैं दूसरी मखलूक़ होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती तो वो भी इन आयात के पढ़ने से इधर उधर हो जाती हैं और हमें रास्ता देती हैं अक्सर हम सुनते हैं ना बड़ों से कि भाई पाँव में कुछ मतलब जिन जिनात ना आ जाए उसके बच्चे ना आ जाएँ तो उसके लिए ही हुक्म है कि घर में दाखिल होते वक्त या कहीं भी नई जगह पर भी आप जाओ तो वहाँ पर बसमिल्ला ज़रूर पढ़ो इससे एक तो बरक़ात बहुत हैं घर में रिस्क में सबसे ज़्यादा इजाफा होता है कभी भी आपको घर में रिस्क की कमी या रिस्क की कमी की शिकायत नहीं होगी इन सेकंड जो है वो एक आपको मैं सूरा शेयर करना चाहती हूँ बहुत ही आसान है बहुत ज़बरदस्त है और वो रिस्क के लिए आपने करनी है क्योंकि सबके घरों में जॉब्स का मसला है रिश्तों का मसला है बहुत सारे मसले हैं हम सब के साथ ज़िंदगी में सब कुछ चलता है तो अल्लाह पाक ने हमें रास्ता भी दिखाया है हम उस रास्ते पर चलते हुए अल्लाह पाक के कलाम का सहारा ले सकते हैं जो हमारे बस में है वो करते हैं और फिर अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किल हमारे मसले भी हल फरमाता है उसके लिए जो अल्लाह पाक तक पहुँचने के लिए हमें सीढ़ी दिखाई गई है वो भी हमें अल्लाह पाक ने ही दिखाई है और वह है अल्लाह ताली के कलाम तो कुछ शुरह ऐसी हैं जो बहुत पावरफुल हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनके वज़ाइफ़ हैं स्पेशल उनके विद के वज़ाइफ़ बुक्स भी आती हैं और आप अगर अलग से इंडिविजुअली भी उनको अदा करना चाहो तो कर सकते हो सूरह मुल्क पूरी आपने रोज़ पढ़नी है आप अपने लिए दिन में कोई भी टाइम एक सेलेक्ट कर लें किसी भी टाइम पर बस सूरह मुल्क को आपने ज़रूर पढ़ना है ठीक है एक बार पढ़ें बहुत आसान है टू या थ्री पेजेस की है बड़े आसान वर्ड्स के साथ है तो आप सराह मुल्क की शुरू करें तिलावत हर रोज़ पढ़ें जब तक कि आपके घर में जॉब्स का रिस्क का कोई भी मुआशी ऐसा कोई मसला चल रहा है जब तक कि वो हल नहीं हो जाता और वैसे भी सराह मुल्क में बहुत बरक़ात हैं किसी भी नागहानी आफत से बचने के लिए भी पढ़ी जाती है ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त है मेरी जो थी ग्रैंड मदर मतलब कि मेरी नानी माँ जो थी अम्मी जान बड़ी अम्मी जान हम उन्हें बोलते थे तो मैंने ये सारी जो बड़ी बड़ी सूरतें हैं उनके साथ और अपने बाबा के साथ हिफ्स की हुई हैं तो इसलिए तो मेरे लिए आसान है और आप लोगों में से भी बहुत सारी लेडीज़ ने मेरी बहनों ने हिफ्स की होंगी तो उनके लिए आसान है बस अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इसको शामिल कर लें किसी भी नमाज़ के बाद एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें और दम कर लिया करें पूरे घर पर पढ़ कर फूंक दिया करें शुरह मुल्क शुरह वाक़ शुरह मुजमल इनके अलग से वर्ड भी आते हैं जो स्पेशली रिस्क रोज़गार और मनाजा आजाद के लिए किए जाते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें कि आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं इन शाला वो भी शेयर कर दूँगी और ये दो दिन पहले का व्लाग है क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी थी हमारी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइजिंग uh, गिफ्ट दिया बस हमारा यही गेट टुगेदर होता है छोटा मोटा सा आउटिंग हो जाती है होटलिंग हो जाती है थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला का एहसान है जैसी भी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मीनस में रह के हर इंसान खुश रहने की कोशिश करता है बाकी अल्लाह ताला का हरदम शुक्र अदा करते रहना चाहिए जो कि मैं करती हूँ क्योंकि ये आती जाती सांसें अल्लाह ताला की ही देन है जो अल्लाह ताली हम पे इतना करम करता है एहसान करता है हर हाल में अल्लाह का शुक्र है बस आप लोग भी अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग मेरा आपको पसंद आएगा और खुले दिल से लाइक और शेयर किया करें अगर पहली दफ़ा विज़िट करें हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चाहूँगी मैं अभी इजाज़त सो स्टे ट्यून विद माई चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टिल देन नेक्स्ट वीडियो चाहूँगी मैं अभी इजाज़त अल्लाह हाफिज़ सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय